तो दोस्तों ये अपना सोलर हीटर है, तो अभी ये सोलर हीटर है, अगर बादल धूप आ जाएगा तो इसमें पानी तो गर्म ही नहीं होगा, तो उसके लिए ये लोगों ने अच्छा जुगाड़ बनाया है। तो मैं इसका कनेक्शन करने के लिए आया हूँ। ये एक होटल है, तो होटल का मैं इधर 3-4 सोलर हीटर है, तो उसके कनेक्शन करने के लिए आया हूँ। तो इधर जो इस वाला पोर्ट है ना, उधर ये इस टाइप का एक हीटर लगता है, जो अपना नॉर्मल गीजर में कैसे हीटर रहता है, जो अपना पानी में गर्म करने वाला, वही हीटर रहता है। तो इसमें ये इधर से हीटर लगेगा, तो अगर आपका अगर धूप नहीं है, बादल छाँव जितना मौसम है, अगर बारिश का मौसम है, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी से करेगा। मीन्स इस हीटर में सप्लाई जाएगा, ये 3000 वोल्ट का हीटर है, तो आपको ये गर्म पानी मिल सकता है। ये इधर हमने लगाया है, ये देखो इधर हमने है ना, ये लंबा सा रोड रहेगा, 1 फीट का रोड रहेगा। तभी एक हमारा ये बंदा है ना हमारा, वो ये इसके कतारों के कनेक्शन कर रहा है। इसमें RYB है, तो ये R वो फेस है, ब्लू है वो न्यूट्रल है, और तीसरा हमने येलो वाला अर्थिंग के लिए यूज़ किया है। ये अभी हमारा बंदा ये खोल रहा है, देखो ये चक्री ये नट है ना, निकाल दो ना, उसके बाद ये ढक्कन खुलेगा। तभी इस ढक्कन के मैं आपको थोड़ा इसका कनेक्शन भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, ये जो वाला रोड है ना, ये वाला रोड, ये अपना अर्थिंग का है, ये पूरा मेटल की बॉडी के। अगर है ना आपका हीटर कहीं से भी लीकेज हुआ, इसके अंदर क्या हीटर में क्या रहता है, नाइक्रोम की कोयल रहती है, और उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, कि मीन्स जो अपना शॉर्ट ना हो, अगर बाई इनकेस शॉर्ट हुआ है तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और इधर ये अर्थिंग का है, अर्थिंग का वायर है ना इसमें आएगा, और दूसरा इसको थोड़ा एक घुमा के ये निकाल देता हूँ। ये है ना बायोमेटालिक स्ट्रिप है, एक थर्मल स्विच है एक टाइप की, तो ये इसे खींचने से निकल जाएगी, ये पूरा इतना रोड रहेगा। ये इसका टेम्परेचर सेंस करने का पॉइंट है, और इसमें ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल टाइप की स्विच ही है। ये थोड़ा जूम करता हूँ, ओके इधर से पकड़ लेता हूँ। ये फेज है, यहाँ से फेज आएगा और यहाँ से निकलेगा। ये जैसे अपने घर की कैसे स्विच है, वो हाथ से हम ऑन ऑफ करते हैं ना, ये एक थर्मल स्विच है। तो इसमें अपने जो टेम्परेचर है, अभी 45 सेट कर दिया, तो उसके अगर 45 टेम्परेचर मीन्स पानी का हो गया, तो उसके हिसाब से ये स्विच ओपन हो जाएगी और हीटर को बंद कर देगी। तो ये पूरा हीटर को पूरा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करती है। और ये इसका फेज है, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, और ये फेज है वो ये स्विच में होते हुए जाएगा, क्योंकि हमें हीटर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाना है, वरना तो हीटर जल जाएगा। ये इधर से लगता है, ऐसे लगता है। अभी मैं इसका कनेक्शन हो जाए ना, उसके बाद भी बताता हूँ। और दोस्तों हीटर लगाते समय दो चीज़ खास ध्यान रखना, सप्लाई में अपना RCCB वगैरह होना चाहिए, और अर्थिंग अच्छे से करना, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, अर्थिंग प्रॉपर ही रहना चाहिए। एक दो बार चेक कर लेने का। चलो अभी हमारा बंदा कनेक्शन कर रहा है। अभी देखो ये हमारा एक बंदा है, ये टेक्नीशियन है हमारा बंदा, वो कनेक्शन कर रहा है। अभी हमारे पास लगभग तो नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में चलता है, लेकिन आपके पास अगर पॉसिबल हो तो बिना लग के कनेक्शन नहीं करने का, क्योंकि ये क्या स्पार्क हो सकता है, और ये केबल बाद में कट सकता है, तो क्या लग हो ना तो अच्छा रहेगा। अच्छे से टाइट हो गया, लेकिन डोमेस्टिक में आजकल कोई लग नहीं लगाता है, इंडस्ट्री में मिल जाता है। ये अपना येलो वायर है वो अर्थिंग का है, हमने अर्थिंग के लिए यूज़ किया है। ये अच्छे से टाइट कर दिया, ये एक रोड है इसका। दोस्तों अगर आपको कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा, तो क्या आपको अच्छे से ख्याल आए। जो नए बंदे हैं, जिसने पहली बार कनेक्शन किया है, कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा पता रहेगा। ओहो, इसके चक्कर में हम ढक्कन लगाना, वीडियो के चक्कर में ढक्कन लगाना भी भूल गए। तो अभी कोई बात नहीं, ढक्कन फिर से लगा गया। आप भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमारे साथ ये वीडियो के चक्कर में ये गलती हो गई है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, और ये ढक्कन लगा देता हूँ। ये ऐसा ढक्कन रहता है ना, उसके अंदर देखो होल दिखाओ, तो होल, ये होल रहता है, वो ग्लैंड में से होल है ना डालना भूल गए हम लोग। अभी फिर से हम निकाल रहे हैं।
नहीं नहीं होता है होता है, टेंशन नहीं लेने का, सबके साथ ऐसा होता है। अभी देखो ऐसे अच्छे से केबल को डाल देने का, और यहाँ से केबल को निकाल लेने का। ये पावर पैक की 20 एम्पीयर की 250 वोल्ट की एक थर्मल स्विच है, जो अपना अगर मान लो कि इसमें हमने ये क्या जो ये जो हीटर की जो कंपनी है ना वो 45 को सेट करने को बोलती है, तो अगर 45 सेट कर दिया तो 45 जितना पानी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने आप ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। तो हीटर की स्विच या कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट है। फिर उसको चलाने के लिए कुछ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई ऑन ऑफ करने के लिए बंदा रखना पड़ेगा। अच्छा है। इसका मेक क्या है वो तो मैं तो पावर पैक करके मेक है इसका आई थिंक, देख लूँगा। चलो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा दोस्तों। ये भूलना मत, ये ढक्कन है ना वो डालना, हम लोग भी भूल गए थे वीडियो के चक्कर में, कोई बात नहीं। तो अभी देखो हमारा ये टेक्नीशियन है वो अभी जो ये ब्लू वायर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दिया तो वो न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी ये फेज है ना उसको ही थर्मल स्विच के बीच में लेना पड़ेगा। थर्मल स्विच से एक जगह से फेज दिया, दूसरी जगह से फेज निकाल के हीटर के जो फेज टर्मिनल है उसमें देना का। ये अपना फेज टर्मिनल है हीटर का ये वाला। रुको थोड़ा पकड़ के रखता हूँ मैं, थोड़ा लूज करो ना। ये दोस्तों फेस का कनेक्शन इधर से इधर दे दिया, देखो। अगर कनेक्शन समझ में ना आया तो टेंशन मत लेने का, क्योंकि अपने पास मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपनी वेबसाइट है उसमें ड्राइंग बना के दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिशियन ही कर सकता है, क्योंकि मैंने उसमें ड्राइंग ऐसा बनाया है कि कोई भी बंदा जाके कर सकता है। ये सोलर हीटर की भी थोड़ा डी ले लेते हैं। ये 500 लीटर की इसकी टैंक की कैपेसिटी है, ओम एनर्जी इक्विपमेंट करके राजकोट की कोई कंपनी है। राजकोट की कंपनी अच्छा सोलर बनाती है, क्योंकि वो चाइना को भी टक्कर दे रही है। अभी चाइना के जो है ना वो चल नहीं रहे, सड़ जाते हैं। ये देखो ये चाइना का है, ये चाइना का है, देखो सड़ गया ना। ये चाइना का है, ये सड़ गया पूरा। तो ये राजकोट की कंपनी है, वो अच्छा बनाती है ये डेल्टा करके। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये तो इधर कितने सालों से है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने वाकई में अच्छा काम किया है। ये देखो अभी है ना फेस के कनेक्शन कर दूंगा मैं, फेस को है ना थर्मल स्विच में लूप होके देना पड़ेगा आपको। बची जाए थे वहाँ वही हो जाए थे, यहाँ थी बची तो इतना तो कोई खबर नहीं पड़े, यहाँ थी बची वो सही जाते हैं, यहाँ थी अंदर हो जाए आगे बस यूज करना बोलो। जो मोटो थे ये ना चले ना मोटा माथी टुकड़ो गए बात रही तो मोटा माथी। हाँ ये देखो ये अर्थिंग का कनेक्शन है, ये फेज है वो इधर दिया, उसके बाद इधर से निकला और न्यूट्रल इधर डायरेक्ट दे दिया, तो अभी अपना कनेक्शन हो गया है। ये देखो अभी हम ढक्कन को अच्छे से पैक कर रहे हैं। इसमें ढक्कन लगाने में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि केबल थोड़ा बड़ा है ना इसलिए। और अचानक यार बोलते हो दोस्तों, अभी ये देखो कनेक्शन हो गए हैं।
यहाँ से हमने ये लोग ये हम भूल गए थे तो आप गलती मत करना। अभी इधर अच्छे से इंसुलेशन टेप लगा देंगे। और दोस्तों इसमें एक दूसरा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसमें पानी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पानी की बोतल काट के इसमें कवर जैसा बना के डाल देने का, तो क्या कोई दिक्कत ना हो। तो करो अमेली